We are going to start. We are not going to start. We have already started with unit 3. ठीक है, हम पहले 3 start कर चुके. Inherit, उसमें दो topics हैं, module 3 उसको बोल लो, चाहे unit 3 कह लो. Inheritance and operator overloading. Okay. इनहेरिटेंस मैंने आपको करवा दिया, इसीलिए मैंने साथ में लिखा है कि वी हैव डन विद इनहेरिटेंस. एमएसटी से पहले ही हम लोगों ने इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लिया था. सी में हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, लेकिन सी में एक सेकेंड क्लास, नॉर्मल क्वेश्चन है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या चीज है. तो ऑपरेटर्स तो आपको पता ही है, ऑपरेटर्स मींस ए प्लस बी, ए माइनस बी. लेकिन द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हम इसको ओवरलोड क्यों कर रहे हैं. तो आपका आंसर होना चाहिए कि बेसिकली वी यूज ऑपरेटर्स विद द बेसिक डेटा टाइप्स, लाइक इंटीजर के साथ यूज कर लो, ड्राइव्ड डेटा टाइप्स के साथ यूज कर लो, स्ट्रक्चर में यूज कर लिया, यूनियन में यूज किया, एरेज में किया, पॉइंटर्स में किया. क्या आपको क्लासेस मिली थी सी में? सी में क्लासेस है? तो अब क्या है कि ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड इसीलिए करते हैं ताकि हमारा ऑपरेटर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ भी कंफर्टेबली काम कर सके. अब क्वेश्चन है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन सी है? क्लास. क्योंकि क्लास का नेम कभी भी आपको जब टाइप करते हो तो क्लास का नेम ऑटोमेटिकली आपको मिलता है कि आप खुद टाइप करते हो क्लास नेम? हम खुद टाइप करते हैं. तो खुद टाइप करते हो, इसका मतलब है क्लास को डिफाइन कौन कर रहा है? यूजर ना. यूजर वही बता रहा है कि क्लास का क्या नाम है, वही बता रहा है कि कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर चाहिए, वही कह रहा है कि कौन से डेटा मेंबर चाहिए. यूजर ही इन्फॉर्म कर रहा है कि कौन से मेंबर फंक्शंस चाहिए. तो पूरी की पूरी क्लास की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन किसके हाथ में है? यूजर के. यूजर के हाथ में. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग मींस कि हमने पिछले पुराने एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स को ही यूज करना है, लेकिन किसके साथ? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ, मतलब क्लास के साथ. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. यस मैम. तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कुछ भी नहीं है. ऑपरेटर्स जो पहले स्टार्टिंग से हमारे पास ऑपरेटर है, मैं उसको किसके साथ यूज करना चाहती हूँ? क्लास के साथ. क्लास के साथ. और क्लास कौन सी डेटा टाइप है? यूजर डिफाइंड. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो देखो, नॉर्मली हम ऑपरेटर्स को क्लासेस के साथ सीधा यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना पड़ेगा. ओवरलोड करना पड़ेगा, बस. दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग. उसके बाद हम पढ़ेंगे ओवरलोडिंग ऑफ यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स. देखो, यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें एक ही ऑपरेंड होती है. जहां तो आप प्री इंक्रीमेंट कर लो, पोस्ट इंक्रीमेंट कर लो, प्री डिक्रीमेंट कर लो, पोस्ट डिक्रीमेंट कर लो. और तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग. कुछ हमारे पास गाइडलाइंस होगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, रूल्स होंगे कि कैसे ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना है और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिसको हम ओवरलोड करेंगे. सी प्लस प्लस में सारे ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं हो सकते. ठीक है जी मैम. तो वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो ओवरलोड नहीं होंगे. इन सी प्लस प्लस वी आर नॉट एबल टू ओवरलोड ऑल ऑपरेटर्स. ऐसा नहीं है कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे ही ओवरलोड होंगे. नो, कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो ओवरलोड नहीं होंगे. ठीक है जी मैम. जी मैम, जैसे इसको. हाँ, तो कुछ सारे ऑपरेटर्स को नहीं हम क्लास के साथ यूज कर सकते. एक बात याद रखना, सारे ऑपरेटर्स भी हम क्लास के साथ यूज नहीं करेंगे. बिकॉज हमें क्लास के साथ यूज करने के लिए उसको ओवरलोड करना पड़ेगा, तो सारे ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं होंगे. ठीक है. इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम, क्लियर. यस मैम. नाउ सी ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन सी प्लस प्लस. तो जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो सी प्लस प्लस का बड़ा ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल कंसेप्ट है. It is the type of polymorphism. ये polymorphism की ही type है, in which an operator is overloaded to give user-defined meaning to it. तो इसमें हम क्या करते हैं? Operator को overload कर देते हैं. क्यों overload करते हैं? ताकि जो हमारा operator user-defined data type के साथ काम कर सके, मतलब हमारा operator classes के साथ काम कर सके. ठीक है? Yes ma'am.
ओवरलोडेड ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. इसका मतलब है जिस ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर दोगे वो किस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. मींस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन सी है हमारे पास? क्लास. क्लास. फॉर एग्जाम्पल प्लस ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड टू परफॉर्म द एडिशन ऑन द वेरियस डेटा टाइप. प्लस आपको पता है ना कि प्लस का मतलब होता है दो नंबर्स को, तीन नंबर्स को एड करना, जोड़ना. तो बेसिकली प्लस हम पहले ओवरलोडिंग, अगर हम ऑपरेटर को नहीं ओवरलोड करते तो नॉर्मली हमें क्या हो करना होता है कि जो प्लस ऑपरेटर होता है वो सिंपल डेटा टाइप्स पे काम करता है. इंटीजर पे काम कर लिया. स्ट्रिंग, आपने स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस पढ़े है ना? यस मैम. उसमें कंकैटिनेशन पता है ना, दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करना. एक होती है स्ट्रिंग वन और दूसरी होती है स्ट्रिंग टू. ऐसे देखो एक सेकेंड, जैसे एस टी आर वन में मैंने लिखा वेलकम. STR2 मतलब दूसरी स्ट्रिंग में मैंने लिखा ACT. और हमारे पास फंक्शन होता है STRCAT जो दोनों को कंकैटिनेट करता है. फंक्शन के थ्रू हम जोड़ते हैं STR1 प्लस STR2. अब आपको क्या आउटपुट आएगी अगर आप दोनों को कंकैटिनेट कर दोगे? वेलकम ACT, दोनों ऐड हो जाएगा. वेरी गुड, वेलकम ACT. तो बेसिकली जो हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं ना प्लस, इंटीजर पे ऐसे यूज करते हैं ना, ए प्लस बी. जी मैम. हम ऐसे करते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. हाँ, ए मल्टीप्लाई बी. मतलब बेसिकली जो ऑपरेटर्स हैं वो इंटीजर पे यूज कर लो, स्ट्रिंग्स पे यूज कर लो. लेकिन अब मैं किस पे यूज करना चाहती हूँ उसको? क्लासेस पे. ठीक है, मैंने इंटीजर पे यूज नहीं करना, स्ट्रिंग पे नहीं. आई वॉन्ट टू यूज इट ऑन क्लासेस. तो क्लासेस के लिए सबसे पहले ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा? ओवरलोड करना पड़ेगा. ओवरलोड का मतलब ऐसे नहीं है कि हम प्लस का मतलब भी बदल देंगे कि नॉर्मल लाइफ में प्लस को ऐड करना है तो ओवरलोड होने के बाद वो ऐड नहीं करेगा. नो, ओवरलोडिंग से उसका मीनिंग नहीं चेंज होगा, उसकी डेफिनेशन नहीं चेंज होगी, सिर्फ उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो बदल जाएगी कि अब वो नॉर्मल डेटा, बेसिक डेटा टाइप के साथ तो काम करेगा ही करेगा. और किसके साथ वो काम कर सकता है? क्लासेस के साथ. क्लासेस के साथ. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. किसी को कोई प्रॉब्लम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो? नो मैम. तो बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग C++ में एक ऐसा टॉपिक है जिसका काम होता है कि जो ऑपरेटर्स हमने सी में पढ़े हैं वो बेसिकली हम इंटीजर के साथ, स्ट्रिंग के साथ, कैरेक्टर के साथ यूज करते हैं. लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू यूज सच ऑपरेटर्स विद अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप लाइक क्लास. तो ऐसे नॉर्मल में तो हम ऑपरेटर को यूज नहीं कर पाएंगे, वी फर्स्ट नीड टू ओवरलोड इट. तो सबसे पहले हमें इसको ओवरलोड करना पड़ेगा, देन वी आर एबल टू यूज these operators with classes. तो operator overloading का मतलब भी ऐसे भी मतलब नहीं है कि आप उसकी definition ही change कर दोगे, आप उसका syntax ही change कर दोगे. plus plus ही है वो, basic data type के साथ भी plus का मतलब addition है. और अगर आप उसको classes में use करोगे तब भी plus का क्या मतलब रहेगा? addition. ठीक है? Yes ma'am. तो सिर्फ operator overloading means we want to use the operator with classes. तो क्लासेस के साथ मैंने ऑपरेटर्स को यूज करना है, इसीलिए मेरे को ऑपरेटर को क्या करना पड़ा? ओवरलोड. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो मैम. बोलो जैसे मैम ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये कोई फिक्स इसमें प्रोग्राम है क्या, या फिर ये कोई सिचुएशन है जहाँ पे हमें ओवरलोड करनी पड़ेगी? नहीं, क्लासेस में देखो हम जब C++ में है ही सारी क्लासेस, पता है ना आपको इस चीज का, क्योंकि C++ का कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास तो है ही नहीं. क्योंकि क्लासेस की जो सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक है, वो इंट्रोड्यूस C++ में किया गया. अब अगर आप क्लासेस में ऑपरेटर को यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरलोड.
अगर देखो नॉर्मल नहीं, हम हर बार भी आप क्लासेस में इसको ओवरलोड नहीं करोगे, जब आप स्पेसिफिक उस किसी ऑपरेटर को कॉल करके उसको यूज करना चाहते हो तो फिर हम उसको क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे। तो ये फिर तो एक डिक्लेयर सिचुएशन हो जाएगी जहां पे हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि आपने सम, आप क्लासेस में सम कर रहे हो तो उसमें भी आप ऑपरेटर को ओवरलोड करोगे, नो। अगर आप ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हो तो प्रॉपर जैसे हम बाकी फंक्शंस को डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं ना, ऐसे ही इसका पूरा सिंटेक्स होता है, इसको हम डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, तो इसका वो अलग से होता है कि आपने डेफिनेशन क्लास के डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास दी है, आप इसकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास भी कर सकते हो। तो अगर आप ओवरलोड करना चाहते हो तो आप पहले इसको फाइनलाइज करोगे कि आपने ओवरलोड करना है, फिर आप डिसाइड करोगे आपने कौन से, दो ही ऑपरेटर ओवरलोड होंगे, यूनरी और बाइनरी। यूनरी में प्लस और माइनस ओवरलोड होगा, उसमें भी अब आप डिसाइड करोगे कि आपने प्लस को ओवरलोड करना है कि माइनस को ओवरलोड करना है, फिर प्रॉपर हम उसका एक सिंटेक्स लिखेंगे कोडिंग में, फिर वो ओवरलोड होगा। ठीक है, जैसे हम लिखते थे ना कि फ्रेंड लिखते हैं कि हाँ कंपाइलर को पता चले कि इट्स नॉट अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन, इट अ फ्रेंड फंक्शन, हम इनलाइन कीवर्ड यूज करते थे कि कंपाइलर को पता चले कि ये इनलाइन है। हमने स्टैटिक यूज किया, कॉन्स्ट यूज किया, ऐसे ही हम ऑपरेटर कीवर्ड को यूज करेंगे ताकि कंपाइलर को पता चले कि अब मैं इस ऑपरेटर को ओवरलोड करवाना चाहती हूँ। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। नेक्स्ट देखो, सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर है, इट्स अ गेट फ्रॉम और पुट टू ऑपरेटर। सी आउट के साथ जो दो एंगल पैकेट्स लगी हैं, इसको वैसे तो इंसर्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, और दूसरा मैंने आपको करवाया था ना, क्या बोलते हैं इसको, गेट फ्रॉम और पुट टू, गेट फ्रॉम, गेट फ्रॉम। गेट फ्रॉम का मतलब होता है किसी से कोई इंफॉर्मेशन फेच करनी। सी आउट से आप इनपुट लेते हो कि आउटपुट डिस्प्ले करवाते हो? आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। तो नॉर्मली सोचो, फिर वही बात आ गई ना, याद ना करो इसको, नॉर्मली सोचो जब हम आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं तो हम कुछ दे रहे हैं स्क्रीन को डिस्प्ले करवाने के लिए कि हम स्क्रीन से कुछ ले रहे हैं? नहीं मैम, कुछ स्क्रीन का कुछ दे रहे हैं। तो गेट का मतलब रिसीविंग होता है, पुट का मतलब कुछ देना होता है, कुछ डालना, मींस आई जस्ट वांट टू शो दिस थिंग। तो आपको क्या लगता है, ये गेट फ्रॉम है कि पुट टू है? गेट फ्रॉम, पुट टू है, पुट टू, गेट फ्रॉम नहीं है। सीन के साथ जो लगता है वो तो गेट फ्रॉम हो गया, क्योंकि हम सीन से, यूजर से ए और बी की इनपुट लेते हैं, लेकिन पुट टू का मतलब है कि मैं कुछ उसमें इंसर्ट कर रही हूँ, कुछ डिस्प्ले करवा रही हूँ। ठीक है, सी आउट आउटपुट के लिए है, उसके बाद उसने इस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, इसका मतलब है कि अब जो ये सी आउट है ना, कि दिस इज द टेस्ट स्ट्रिंग, ये जो लाइन इसने उठाई है, ये लाइन कहीं ना कहीं क्लास की कोडिंग में लिखी गई है। सिंपल उसने बताया कि कैसे हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। सी आउट जो आउट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, दिस इज द टेस्ट स्ट्रिंग, ये सिंपली आप नॉर्मल स्ट्रिंग है, और नीचे हम क्या ओवरलोड कर रहे हैं, इंसर्शन ऑपरेटर को। इसका मतलब है कि अगर क्लासेस में अगर आप इसको ओवरलोड करोगे तो पूरे प्रोग्राम में आप ऑपरेटर कीवर्ड लिखोगे, साथ में उस ऑपरेटर का सिंबल डालोगे जिसको आप ओवरलोड करवाना चाहते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ये तो प्रोग्राम से क्लियर हो पाएगी। हाँ, अभी अभी इसका साथ में ही प्रोग्राम करेंगे, इंट्रोडक्शन कर ले और फिर इसका प्रोग्राम करते हैं। ओके, here is the operators that are not overloaded. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारे operators C++ में overload ही होंगे. It is very very important for Viva कि what are the operators in C++ which we can't overload. तो कौन कौन से operator हैं जो नहीं overload होंगे, इसको notebook पे भी note down कर लो. पहला कौन सा है? Scope of operator. Scope operator. हाँ, मतलब resolution. Resolution जिसे कहते हैं. फोर कॉलम्स है ना इसमें, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। दूसरा कौन सा है? साइज ऑफ, साइज ऑफ। तीसरा कौन सा है? मेंबर सिलेक्टर, सिलेक्टर। जो डॉट ऑपरेटर होता है ना, इसको C++ में क्या बोलते हैं? मेंबर सिलेक्टर, अकेला डॉट।
और मेंबर सिर्फ बीसी को बोलता है ना क्या पॉइंटर्स शहजाद दोबारा बोलो मेंबरशिप ऑपरेटर मेंबरशिप यस मैम नहीं इसको मेंबरशिप या मेंबर सिलेक्टर बोलते हैं डॉट को जैसे हम उसमें नहीं यूज करते क्लासेस में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं फिर हम ऑब्जेक्ट डॉट उसके साथ इनलाइन किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहां पे मेंबर सिलेक्टर ऑपरेटर आपका यूज होता है चौथा कौन सा है आपका फोर्थ वन मेंबर पॉइंटर सिलेक्टर पॉइंटर है ना तो पॉइंटर के केस में हम एस्टेरिक स्टार वाले को यूज करेंगे तीसरा और लास्ट वन कौन सा है टर्नरी ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर की कितनी ऑपरेंड्स होती है सेमी कॉलन हो गया बीच वाला क्या है ऐसे होता है ना कि हमारे पास एक ऑपरेटर आ गया यूनरी ऑपरेटर इसमें कितने ऑपरेंड्स होते हैं एक एक चाहे अकेला ए कर लो या आपके पास बी आ गई या सी मतलब एक टाइम पे एक ही होता है ना और बाइनरी में कितने ऑपरेंड्स होते हैं दो दो लाइक ए प्लस बी टर्नरी में प्लस सी बी डिवाइड बाय एन मतलब ऐसे लेकिन टर्नरी में कितने होते हैं थ्री में लाइक हमने कंडीशन लगा दी कि C is equal to A greater than B मतलब वो कंडीशन लगा देंगे अगर A greater than B है तो वो C में जाए अदरवाइज वो B में प्रिंट हो जाए तो यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है जा A जा B जा C एक टाइम पे एक ही बाइनरी में दो ऑपरेंड्स होते हैं लाइक A प्लस B B प्लस C टर्नरी में हमारे पास तीन ऑपरेंड्स होते हैं ठीक है मैम साइज ऑफ क्या है साइज ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी डेटा टाइप का साइज फेच करना लाइक जैसे एक सी में एक प्रोग्राम नहीं किया हुआ था इंट का साइज कितना है वो आप बताओ मेरे को अगर मैं साइज ऑफ में इंट पास करूं तो क्या साइज होगा इंट डेटा टाइप का इसका टू टू अगर मैं इस पे पास कर दूं साइज ऑफ में कैर चार दूसरा बिरसा साइज ऑफ में करेक्टर डेटा टाइप पास करें तो क्या साइज रिटर्न होगा चार No. करेक्टर की कितनी डेटा टाइप्स होती है कितनी बाइट्स होती है करेक्टर की एट बाइट एट बिट्स और वन बाइट इज इक्वल टू एट बिट्स वन बाइट अगर हम पास करें फ्लोट लाइट ना कहो अगर हम फ्लोट डेटा टाइप पास करें तो क्या होगा टिपला का लाइट है ना तो टिप के का फायदा बोलो क्लास फ्लोट डेटा टाइप में कितनी बाइट्स रिटर्न होंगी फ्लोट में 16 है मैम इंटीजर की दो बाइट्स हैं करेक्टर की एक बाइट है फ्लोट की कितनी बाइट्स हैं 16 बाइट्स कितनी 16 बाइट्स नो फ्लोट की 4 बाइट्स हैं और 32 बिट्स है 32 बिट्स देखो ना एक सेकंड वन बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स 8 बिट्स इसका मतलब है करेक्टर में वन बाइट है तो टोटल कितनी बिट्स आ गई 8 बिट्स 8 और अगर हम बात करें उसकी इंटीजर की तो इंटीजर में कितनी बाइट्स है 2 बाइट्स और बिट्स कितनी होगी 16 8 इनटू 2 इज इक्वल टू 16 अगर हम बात करें फ्लोट की तो फ्लोट में कितनी बाइट्स होती हैं 4 बाइट्स 4 बाइट्स और बिट्स कितनी होगी 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 अगर हम बात करें डबल की तो डबल में कितनी बाइट्स होती है मैम 8 8 वो फ्लोट का डबल होता है 8 बाइट्स और 8 बाइट्स में कितनी बिट्स होती है 64 64
ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ साइज ऑफ, वो आपको उसका जो भी आप उसमें से डेटा टाइप पास करोगे उसका साइज रिटर्न करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम इसमें एक बार क्लियर कर दीजिए ना, किसका किसका कौन सा बिट्स है? क्या दोबारा बोलूं क्या प्रॉब्लम है? मैम इसमें जो बिट्स है लिखी हुई है इसके सामने पहली है इंटीजर की, ठीक है, नीचे वाली है, सॉरी सर, नहीं नहीं पहली करेक्टर की है, पहले करेक्टर की उसका लिख के जा, इधर ऐसे कर देते हैं, पहली है कैर की जिसको हम करेक्टर बोलते हैं, दूसरी है इंटीजर की जिसको हम इंट बोलते हैं, तीसरी है फ्लोट की, फ्लोट डेसिमल वैल्यूज के लिए होता है, फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए, और फोर्थ है डबल, डबल भी डेसिमल के लिए होता है लेकिन हम इसको तब यूज करते हैं जब हमारे पास ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा हो जिसको फ्लोट नहीं हैंडल कर सकता, मेरे को ज्यादा स्पेस चाहिए तो हम डबल यूज करते हैं, लेकिन है दोनों ही डेसिमल के लिए है, फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि अगर आपको लगता है कि 1 byte is equal to 8 bits, ऐसी है ना, 1 byte is equal to 8 bits, अगर मैं बोलूं कि आपके पास वो है क्या बोलते हैं 4 bits, फिर उसको क्या बोलते हैं? मैम 4 bits हाफ बाइट, 4 bits किसके इक्वल होगी? अगर 8 bits 1 byte के इक्वल है तो 4 bits किसके इक्वल? मैम हाफ बाइट, हाफ बाइट, अभी सुना है आपने C++ में कहीं हाफ बाइट वर्ड? मैम निबल, वेरी गुड, उसको बोलते हैं निबल, ठीक है, 8 bytes की, 8 bits की 1 byte होती है, 4 bits की क्या होती है? Nibble. Nibble. Half byte में nibble, ठीक है? Mathematics से तो वही लगता है। नहीं, ऐसे नहीं ना, mathematics नहीं है। 8 bits is equal to 1 byte, 4 bits is equal to nibble. Clear to everyone? पूरी क्लास को क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, सो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं ओवरलोड हो सकता, साइज ऑफ ऑपरेटर को नहीं हम ओवरलोड कर सकते, मेंबर सिलेक्टर को नहीं ओवरलोड कर सकते, मेंबर पॉइंटर सिलेक्टर को नहीं ओवरलोड कर सकते, और टर्नरी ऑपरेटर, तो ये 5 ऑपरेटर्स हैं जो कभी भी ओवरलोड नहीं होंगे, मतलब क्लासेस के साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, क्लियर, क्लियर मैम। अब देखो सिंटेक्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग सिंटेक्स, ऐसे प्रॉपर हमने सिंटेक्स लिखना है प्रोग्राम में। रिटर्न टाइप मीन्स कि आप इंटीजर रिटर्न करना चाहते हो, वॉइड रिटर्न टाइप लिख लो, करेक्टर लिख लो, फ्लोट लिख लो, डबल लिख लो, उसके बाद क्लास का नाम, जिस क्लास में हमने ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उस क्लास का नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, 4 कॉलम्स है ना, उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर कीवर्ड है तो ऑपरेटर को हम ऑपरेटर ही लिखेंगे, O P E R A T O R ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल, मतलब प्लस, प्लस ओवरलोड करना है, माइनस ओवरलोड करना है, हाँ जो भी करना हो, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट, कितने पैरामीटर्स आपने पास करने हैं, ए पास करनी है, बी पास करनी है, किस डेटा टाइप की पास करनी है, वो सारी आर्गुमेंट लिस्ट में आएगी, ठीक है? उसके बाद उस ऑपरेटर की फंक्शन बॉडी, मतलब उस ऑपरेटर में इंक्रीमेंट कर रहे हो, डिक्रीमेंट कर रहे हो, क्या सी आउट, क्या सी इन आपने लगानी है, वो सारी किस में आएगी? फंक्शन बॉडी में, फंक्शन बॉडी में। सबसे पहले रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप इधर भी मे बी वॉइड लिख लो, चाहे इंट लिख लो, चाहे फ्लोट लिख लो, कोई भी रिटर्न टाइप। उसके बाद क्लास का नाम, जिस नाम से आपने क्लास बनाई है उसका नाम, फिर कॉलम्स, फिर ऑपरेटर, ऑपरेटर सिंबल है तो ऑपरेटर को ऑपरेटर ही लिखोगे, उसके बाद प्लस माइनस जो भी सिंबल है, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट, देन उस ऑपरेटर की सारी वर्किंग उसमें आ जाए। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? मैम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में स्कोप रेजोल्यूशन को परमानेंट यूज करना है? हाँ परमानेंट यूज करना है, यस।
हमेशा ही होगा, इसकी डेक्लरेशन और डेफिनेशन साथ में होगी, लेकिन हमेशा ये क्लास के बाहर ही हम इसको कॉल करेंगे, ओवरलोड करेंगे, ठीक है? वो अब हम प्रोग्राम करेंगे सिंपल, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम इसमें आपने यूज ही करना है स्कोप रेजोल्यूशन को, ठीक है? मैम रिटर्न टाइप क्लास नेम, रिटर्न टाइप मींस कि आपने वॉइड वॉइड लिखना है तो कुछ भी हम रिटर्न नहीं करेंगे, इंट लिखोगे तो कोई ना कोई वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। क्लास नेम मींस कि जिस क्लास में आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हो उसी क्लास का नेम आएगा, जिस जो क्लास ऑलरेडी आपकी बन चुकी है, ठीक है? ओके मैम, और किसी को कोई प्रॉब्लम सिंटैक्स में? नो मैम। टेक्स्ट देखते हैं। दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++। अब मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स है कि क्या करना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के टाइम पे और क्या नहीं, सम डूज सम डोंट्स, कि जब मैं ऑपरेटर को ओवरलोड करूंगी तो क्या मेरे माइंड में कंडीशंस होंगी, क्या हमने उसमें फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, ठीक है? तो फॉलोइंग आर सम रिस्ट्रिक्शंस टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पलक आपको आवाज आ रही है? पलक यस मैम, पढ़ो इसके पॉइंट्स पढ़ो। मैम पढ़ा? हाँ जी पढ़ो। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज्ड। अब आपने उसमें पढ़ा होगा ऑपरेटर की हायरार्की में कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होती है, मतलब इसमें भी सीनियोरिटी होती है कि अगर तीन चार ऑपरेटर साथ में ही आए, लाइक ऐसी कंडीशन आए आपके पास, ऐसे कोई आपके पास कंडीशन आए जिसमें लिखा हो सी इज इक्वल टू a प्लस एन डिवाइड बाय 4 इंटू 6 7, ठीक है? समटाइम हमारे पास ऐसी conditions आती है जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हो, लाइक जिसमें इसमें प्लस भी है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तीनों ऑपरेटर्स है ना? यस मैम। यस मैम। तो इस केस में मैं पहले क्या करूं, a को n के साथ प्लस करूं, या n को पहले 4 के साथ डिवाइड करूं, या पहले 4 इंटू 7 करूं? क्वेश्चन है ना माइंड में? Yes, ma'am. कि हम क्या करें, पहले 4 × 7 कर ले, फिर जो आएगी उसको n को उसके साथ डिवाइड कर देंगे, फिर वो सारी को a के साथ प्लस कर लेंगे, नहीं तो पहले a और n को प्लस कर लेते हैं, जो भी आएगा उसको 4 के साथ डिवाइड कर लेंगे और उसको बाद 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आ रही है ना? यस मैम। लेकिन हम हमारी मर्जी से नहीं कर सकते, ऑपरेटर्स का भी एक एसोसिएटिविटी होती है। प्रेसिडेंस मींस कि लेवल्स हायरार्की, किसकी सीनियरिटी सबसे ज्यादा है, कौन ऑपरेटर एट द टॉप रैंक, विच ऑपरेटर इज ऑन द मिडल रैंक, और लोएस्ट पे कौन सा ऑपरेटर है। तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे टॉप पे होगी तो उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इन तीनों में से हम अज्यूम करें, सपोज करें कि मल्टीप्लाई इज एट द टॉप प्रायोरिटी, तो हम सबसे पहले 4 × 7 करेंगे, ठीक है? और उसके बाद सेकंड लेवल पे है प्लस, तो सबसे पहले हम 4 × 7 करेंगे ऐसे। जैसे अगर हम इसको, अगर मैं हम मानते हैं कि जो प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लाई की सबसे ज्यादा है, 4 × 7। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मल्टीप्लाई के बाद टॉप प्रायोरिटी पे हमारे पास प्लस है, तो हम पहले ए को एन के साथ प्लस करेंगे, फिर हम 28 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब होता है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर्स। तो अगर आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आप उसकी सीनियोरिटी को, उसकी प्रायोरिटी को, उसके लेवल को ही चेंज कर दोगे, वो एज इट इज ही चलेगा जैसा वो सी में था। इज दैट क्लियर? यस मैम। देखो जैसे हमारे लेवल्स होते हैं ना, वैसे ही ऑपरेटर्स के भी लेवल्स हैं कि किस ऑपरेटर की सबसे ऊपर की हायरार्की है, कौन सा ऑपरेटर टॉप पे है, कौन सा ऑपरेटर सीनियर है, कौन सा ऑपरेटर यूनियन है। नेक्स्ट पढ़ो।
मैम कैसे मालूम पड़ेगा ये चीज? वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको मिलेगा बुक में, चेक करो बुक है सी की, सी या सी की तो आपके पास होगी, नहीं तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसमें चेक करो ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर। अब कल को एक स्टेटमेंट आ जाए जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हो, उसमें फिर आपको पता हो कि कौन सा, किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, किसको मैंने सबसे पहले कैलकुलेट करना है। ठीक है मैम, सेंड कर देना प्लीज। हाँ मैं सेंड कर दूंगी, आपको उसका पता हो कि कौन सा ऑपरेटर सबसे सबसे टॉप पे है और कौन सा लोएस्ट पे है। और उसके बाद ना इस ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी होती है, इसका मतलब होता है कि आपने अगर हम बात करें प्लस की, तो वो लेफ्ट टू राइट आपने स्टार्ट करना है कि राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना है। मतलब आपको पता हो कि अगर प्लस ऑपरेटर आ रहा है तो वो उसकी जो कैलकुलेशन है वो आपने लेफ्ट से स्टार्ट करनी है या आपने राइट से स्टार्ट करनी है। अभी मैं आपको सेंड करती हूँ, आपको वो सारा पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। चेक, मैंने आपको एक इमेज फॉरवर्ड की है of operands cannot be changed, unary operator remain unary, binary remain binary, etc. इसका मतलब है कि आप ऐसे नहीं है कि ओवरलोड कर रहे हैं तो हम कह देंगे कि यूनरी में दो वो है ऑपरेंड्स हैं, अगर हम ओवरलोड कर रहे हैं तो हम बोल देंगे कि बाइनरी में एक ही ऑपरेंड है। नो, ओवरलोड डज नॉट मीन कि आप उसके नंबर ऑफ ऑपरेंड्स को ही चेंज कर दोगे। यूनरी में आपको पता है एक ही ऑपरेंड है, तो चाहे आप उसको ओवरलोड भी करोगे फिर भी उसमें कितने ऑपरेंड रह जाएंगे। अगर आप ओवरलोड भी कर रहे हो तो फिर भी उसमें कितने ऑपरेंड्स रहेंगे यूनरी में? मैम एक, और बाइनरी में दो, टर्नरी में तीन। तो उसमें बताया कि वी हैव सम रिस्ट्रिक्शंस, पहला कि मैं उनके लेवल्स को नहीं चेंज कर सकती, हम उसकी हायरार्की को नहीं चेंज कर सकते, जो भी ऑपरेटर है हम उसको एज इट इज यूज करेंगे, बट उसके जो रूल्स होंगे यूज करने की वो हमें चाहिए कोई भी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, आवाज आ रही है?